जनता के आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार तीसरी बार बनने वाला है। विकास के ओर लोग मत दिया गया और खासतौर से दक्षिण में एनडीए बीजेपी उभर के आना, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो और आज ओडिशा में भी भारी संख्या में जीत हासिल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। जितना हम अपेक्षित किए थे उत्तर प्रदेश बंगाल में शायद हम नहीं पहुंचाए, फिर भी आज मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाना, क्योंकि ये तो वोट जो है ये शासन मोदी जी का 10 साल का जो विकास विरासत और गरीब योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, यही मुद्दे लोगों में आज मतदान किया गया। कई जगहों में जैसे आप उत्तर प्रदेश में या बंगाल में जितना हम अपेक्षित किए उसके बारे में पूरे आंकड़े आने के बाद और 4 दिन के बाद हम विश्लेषण करेंगे और मुझे आज अभी भी उम्मीद है 1 बजे तक ये ट्रेंड्स और आगे बढ़ेगा, क्योंकि पूरा देश भर में आज चाहे ओडिशा में हो बाकी उत्तर पूर्व राज्यों में भी हो, लोग आज बीजेपी की ओर जो मत दिया गया ये अर्ली ट्रेंड्स बताया जा रहा है। सर, तेलंगाना में देखा गया तो 8 से 10 सीटों तक भाजपा अभी तो आगे चल रहा है, क्या कह रहे हैं? ये देश भर में ये संकेत है कि कांग्रेस बार बार जो गारंटी या फ्रीबीस ये चुनाव जीतने के लिए एक बार काम को आएगा, मगर लोगों में आक्रोश जो है 5 महीने रेवंत रेड्डी बताया 14 सीट जीत हासिल करेंगे, ये हम 100 दिन का हमारा शासन का रेफरेंडम बनेगा, तो अभी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा रेवंत रेड्डी की। 5 महीने में ही आज जहां हमारे 4 संसद थे आज 8 से लेकर 10 संसद तक जीतना, ये इतना कम समय में एक और मोदी जी का छवि और कांग्रेस का फेलियर सीधा सीधा बताता है। और ये भी जानकारी होना चाहिए पूरा देश भर में तीसरी बार राहुल गांधी के नेतृत्व में ये कांग्रेस विफलता होना, पराजय होना, ये कांग्रेस वासियों को सोचना पड़ेगा। ये राहुल गांधी के नेतृत्व आगे बढ़ाएगा या इस्तीफा देना पड़ेगा या नहीं तो कांग्रेस के अंदर फिर दोबारा ये स्प्लिट होने वाला है, ये लोग जानना चाहते, क्योंकि 3 बार लगातार 2014 से लेकर 2024 तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये चुनाव हारना ये मामूली बात नहीं है। सर, आपने क्या कहा? नहीं, आज महबूबनगर में भी नहीं, आज पुराने 4 छोड़कर आज कम से कम 6 सीटों में आगे बीजेपी रहना, इतना 5 महीने के अंदर ही सिर्फ हमारे 8 विधायक जीते थे 5 महीने पहले, अभी 9 से लेकर 10 संसद जीतना ये बड़ी बात है। ये रेवंत रेड्डी को सोचना पड़ेगा 5 महीने के अंदर सरकार के खिलाफ इतना आज वातावरण है। आप जो माने थे रेफरेंडम 100 दिन का और ये आपके नारे जो वादे पूरे लोग टुकरा दिए, बार बार नहीं चलेगा, ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ही चलेगा। और वेलफेयर स्कीम्स जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना पारदर्शिता से, वही आज लोगों ने, आज गरीब और महिला और युवा आज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, खासतौर से किसान भी, क्योंकि 10 साल के अंदर किस तरह मोदी जी ने किसान हित के लिए काम किया गया ये पता चलेगा। क्योंकि आज कांग्रेस धोखा दिया तेलंगाना में किसानों को, 2 लाख का ऋण माफ के बारे में बोले थे और 500 रुपये जो बोनस अब ऐलान किए, उसके अलावा रईत भरोसा के नाम पर 15,000 देने का भी वादा किए, मगर आप नहीं कर सके, इसलिए लोग आपको सबक सिखा। सर, बीआरएस इस तरह से देखा गया तो बीआरएस एक सीट भी पर भी लीड नहीं कर सका, बीआरएस का बहुत बुरी हालत हो गई। आप जो शहजादी जैसे राज को चलाए और इतना भ्रष्टाचार परिवारवाद राजनीति करे, लोगों ने आज सबक सिखाया जिस तरह विधानसभा चुनाव में और आज पार्लियामेंट चुनाव में, उसी तरह आंध्र प्रदेश में भी आज जगनमोहन रेड्डी ने किस तरह आप फ्रीबीज के नाम पर या
गारंटी के नाम पर लोगों को विकास पूरा छोड़कर जो लोग आज जो भी आज टैक्स पे करे उनके लिए आज कोई सरकार किया ही नहीं, कोई नहीं विकास ही नहीं। इसलिए विकास के अलावा आप सिर्फ सिर्फ रेडियो से राजनीति करना आप जनता मानने वाले नहीं है। जनता तो चाहती है कि विकास और जरूर रोजगार और गरीब योजना। सर एआई मंत्री असदुद्दीन ओवैसी आगे सवाल वो भी आगे है इस चार रोल वगैरह भी वो आगे है। ठीक है, अभी पूरा आंकड़े आने के बाद पता चलेगा। मगर आज एमआईएम को तो भारतीय जनता पार्टी महादेवी लेता तो पसीना छुटाई, क्योंकि आज हैदराबाद के अंदर लगातार आप काउंसिलर से लेकर विधायक एमपी जीतने के बावजूद भी इतना गरीबीपन, इतना पिछड़ापन, इतना जो आप मजलिस के नेतृत्व में पुराना शहर को किस तरह धोखा दिया, आज लोग आपको सबक सिखा रहे। शायद जीते अब पहले आंकड़े में अब तो लीड बता रहा, पूरा आंकड़े आने के बाद पता चलेगा एमआईएम का ओवैसी का भी क्या होने वाला है।